लगा सकते हैं। इसको आप ट्राई कीजिएगा, बड़ा ही अलहमदिल्ला मज़ेदार हुआ है। इसको आप जब आपका दिल करे इसको आप इंजॉय कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरसद खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है करने वीडियो में। आज इस वीडियो में बनाएंगे जी आम का अचार। बड़ा ही मज़े का बनता है, बनाना बहुत ही आसान है। आम का सीज़न है तो अचार बनाना आप अभी से स्टार्ट कर दें थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर मेरे पास आम पड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी हमने इसको काटना है। आम को पहले हमने धो के रख लेना है, तो अभी हम यहाँ पर आम को काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए यहाँ पर आम लेंगे। अभी आपने इसको ये देखिए इस तरह के सेंटर से काट लेना है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये आम ना इतने ज़रा पके नहीं हैं, ये कच्चे से आम है। इसके अंदर जो गुठली ना वो भी कच्ची है अभी तक। तो अभी हमने इसको काट लेना है। यहाँ पे ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखिए इस तरह टुकड़ों में बड़े बड़े टुकड़े आपने करके रख देने यहाँ पर। ये देखें, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट करें। यहाँ पे बस आम कटते जाएं। ये देखिए अभी मैं छुरी के साथ इसको काट रहा हूँ। इसके अंदर जो गुठली ना वो इतनी ज़्यादा सख्त नहीं है, कच्ची सी गुठली इसके अंदर अभी है। ये देखो तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह आम सारे हमने काट लिए। तो अभी हमने इसके अंदर से गुठली निकाल देनी। ये देखें यहाँ पे जितने भी गुठली ना, सारी जो आम काटे आपने उसके अंदर से गुठलियाँ सारी निकालते जाए, इसको साइड पर रख दिया जाए। ये देखें तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह आम सारे हो चुके हैं। यहाँ पे काट लिए मैंने। इसके बाद यहाँ पे एक मैंने रख दिया कढ़ाई चूल्हे पे, इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है। अभी पानी ऐड कर देने के बाद इसके ऊपर रख देनी है आपने ये एक परात। अगर आपके पास छन्नी हो ना तो वो आप इसके ऊपर रख दीजिएगा, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। मेरे पास ये परात ही थी, छन्नी नहीं है, तो अभी मैंने परात रख दी। इसके बाद ये मेरे पास है जी जो हमने आम अभी काटे ना, वो अभी इसके ऊपर डाल दूँ। ये देखें अब इसको यहाँ पर भाप देंगे हम। इसके बाद अभी हमने इसको पहले ढक्कन रख देना इसको। ये देखें अब इसको ना यहाँ पर इसके नीचे आपने आँच फुल कर देनी है। जब सेक पड़ेगा ना, जो जब बॉयल आएगा ना पानी को, तब सेक पड़ेगा, हमारे जो आम है ना वो नरम हो जाएंगे। तो ये देखें जी, तो यहाँ पे देखें जी ये 10 मिनट का रिज़ल्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आम है ना वो नरम हो चुका है। ये देखें जी अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, आम अच्छी तरह से गल चुके हैं, अभी ये हमारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखें जी, यहाँ पर एक मैंने कपड़ा बिछा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने इसके ऊपर जो आम है ना वो इसके ऊपर फैला देने हैं। ये देखिए जी इस तरीके से अब इसको यहाँ पे फैला देंगे। ये देखिए इसको आपने हवा के नीचे रखना है, अच्छे तरीके से आपने इसको फैला देना है। इसको अभी सूखने देंगे यहाँ पे, इसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह जो आम है अच्छे तरीके से सूख चुके हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये देखें अभी हमने इसके ऊपर मसाले ऐड करने हैं। ये देखें यहाँ पर मसाले देखिए मेरे पास, यहाँ पर ये देखिए मेरे पास मसाले। ये देखिए ये मेरे पास कलवंजी, ये सौंफ है मेरे पास, अजवैन और ये धनिया पाउडर। ये सारे मसाले अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सारे मसाले अभी हमने इसके अंदर ऐड कर देने। ये देखिए मसाले यहाँ पे अभी हमने सारे ऐड कर दिए हैं। इसके बाद ये मेरे पास है हल्दी। हल्दी तकरीबन हम 2 चम्मच ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये पहले 1 चम्मच हमने डाल दिया। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही अचार के अंदर डाली जाती है। हल्दी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने डाल दी। ये है मेरे पास लाल मिर्चेस, इसके ऊपर डाल देंगे ये भी। ये है मेरे पास जी नमक। नमक हमने इसके अंदर ज़्यादा ही ऐड करना है थोड़ा। यहाँ पे देखिए ये नमक अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमक ऐड कर दिया है। ये है जी मेरे पास चीनी। चीनी थोड़ी ऐड करनी, तकरीबन 1 चम्मच लगा ले बस, 1-1.5 चम्मच। ये देखें ये नया तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर अभी हमने इसको मिक्स कर लेना। ये देखें जी अच्छे तरीके से मसाले डाल दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मानने के कुछ तैयार हो गए, ट्राई करने वाले बने आप। इसके बाद यहाँ पे देखिए जी ये है मेरे पास सरसों का तेल। इसको मैंने कड़का लिया था, गर्म कर लिया था, यानी पे पका लिया थोड़ा सा इसको मैंने। अभी हमने ये इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने डाल दिया। अभी हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बनेगी, मैं आपको कहता हूँ। अचार तैयार है। अगर आप इसको खाना चाहें अभी भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये ऐसा अचार मैंने आपको बनाना सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं आपको बताएगा।
ये देखिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने ना एक जार में निकाल दिया। ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है, आप ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको आप ट्राई कीजिएगा, बड़ा ही अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार हुआ है। इसको आप जब आपका दिल करे इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, खाइएगा, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार हुआ है। ये देखिए अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे भी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आगे मिल सके। चार बनाएँ और मज़े करें।